My friends, my name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info by Ravi. Today my topic is E2 visa for US. आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि E2 वीज़ा होता क्या है, और मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये किस कंट्रीज़ के लिए है और इंडियंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं US में काम करने के लिए E2 वीज़ा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और ये वीडियो आप पूरी देखना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना ताकि सभी को E2 वीज़ा के ऊपर मिल जाए. एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले समय में फ्यूचर में जो भी मेरी वीडियोस होगी आपको अपलोड की जो नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले हम जानेंगे E2 वीज़ा होता क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे किस कंट्रीज़ के लिए है और इंडियन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और E2 वीज़ा की क्यों ज़रूरत पड़ रही है फॉर रेदर ऑफ H1 वीज़ा और EB5 वीज़ा. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, E2 वीज़ा जो है एक बिजनेस कैटेगरी वीज़ा है. इसमें मिनिमम जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट रखी है US गवर्नमेंट में, वो $50,000 $50,000 रखी हुई है. आप वहाँ जाकर मिस $50,000 इन्वेस्टमेंट करके आप E2 वीज़ा ले सकते हैं और कुछ भी खोल सकते हैं. प्रोविजन स्टोर खोल सकते हैं, हेयरड्रेसर शॉप खोल सकते हैं, अपना ग्रॉसरी शॉप खोल सकते हैं, और कुछ स्मॉल मार्ट खोल सकते हैं, मिनी मार्ट खोल सकते हैं, क्लोथिंग शॉप्स खोल सकते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो 50,000 के आसपास होता है. इस वीज़ा में आपको E2 वीज़ा मिलेगा. तो दूसरी बात है किस कंट्रीज़ के लिए अप्लाई है. आप वेबसाइट में जाके देखेंगे या गूगल में जाके देखेंगे, करीब 24 से 25 कंट्रीज़ इसके अंदर आती हैं. इसमें इंडिया शामिल नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन इंडियंस के लिए भी E2 वीज़ा हो सकता है. ये एक पाथवे प्रोग्राम है. जब भी मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखना, थोड़ा लंबा हो सकता है, 8-9 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप पूरा देखना कि कैसे हम गेन कर सकते हैं E2 वीज़ा. एक्चुअली E2 वीज़ा जो है गवर्नमेंट ने $50,000 के लिए रखा, जो इन्वेस्टमेंट मिनी इन्वेस्टमेंट $50,000 से आप E2 वीज़ा कर सकते हैं. 24 कंट्रीज हैं, कुछ एशियन कंट्रीज भी उन्होंने इंक्लूड करी हैं. अगर हम बात करें, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल भी उसमें शायद है, और कुछ यूरोपियन मीन्स रशियन कंट्रीज़ हैं. अगर आपके पास इनका पासपोर्ट है तो भी आप E2 वीज़ा आराम से $50,000 इन्वेस्ट करके ले सकते हैं. लेकिन हमारी जो बात आती है कि इंडियंस के लिए हम E2 वीज़ा कैसे ले सकते हैं, सो ये एक बहुत ही पाथवे प्रोग्राम है. थोड़ा लंबा हो सकता है, शायद 6 महीने से 1 साल के बीच में, लेकिन आपको E2 वीज़ा मिल जाएगा अगर आप इंडियंस के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो. अगर आप इंडियन सिटीजन है तो उसको कैसे अप्लाई करना है. एग्जांपल, मैं एक इंडियन हूँ, अगर मुझे E2 वीज़ा लेना है तो क्या प्रोसेस है, क्या पाथवे है. एक्चुअली इंडियंस पासपोर्ट के लिए उन्होंने E2 वीज़ा नहीं है, लेकिन एक पाथवे प्रोग्राम है. US की कुछ लॉ फर्म्स हैं, आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था US फर्म का, लॉ फर्म का, उन्होंने कहा था कि एक पाथवे प्रोग्राम हो सकता है अगर इंडियंस अप्लाई करना चाहे E2 वीज़ा के लिए. उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है 6 महीने से 1 साल होती है, लेकिन E2 वीज़ा गारंटी से आपको मिल जाता है. एंड E2 वीज़ा की जो बेनिफिट है, उसके बेनिफिट ये हैं कि आप वहाँ जाके 5 साल तक आप काम कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने स्पूस को भी बुला सकते हैं, और ये वीज़ा जो है लाइफ टाइम एक्सटेंडेबल है. इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है कि आपका माने कोई रिन्यूअल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आपका चलता रहता है होल लाइफ के लिए. और सबसे बड़ी बात है, अगर आपका जो स्पूस वीज़ा जो स्पूस स्पाउस फैमिली आएगी वो भी काम कर सकती है. ऐसा नहीं है कि आपके बिजनेस में ही जुड़े, आप आउटसाइड भी काम कर सकते. E2 वीज़ा के काफ़ी फ़ायदे हैं. सो लेकिन इसमें एक बड़ा मार्क है कि इंडियंस को अप्लाई नहीं कर सकते इंडियन पासपोर्ट्स, लेकिन इंडियन पासपोर्ट्स के लिए एक पाथवे प्रोग्राम है. मैंने पहले बताया पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर श्रीलंका, नेपाल, इनके पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वेरी इजी यू कैन अप्लाई थ्रू एन लॉ फर्म. US में काफ़ी लॉ फर्म है, आप E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. और अगर इंडियंस के लिए है, सो वो क्या है उसकी तो प्रोसेस जो है, आपको सबसे पहले या तो आपको इन कंट्रीज़ का पासपोर्ट होना चाहिए, तब E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं. और एक पाथवे प्रोग्राम ग्रेनेडा कंट्री है, जो कैरेबियन सी के आसपास आती है, वेस्टर्न साउथ अफ्रीका में एक ग्रेनेडा, GRENADA, आप गूगल पर जाके देख लेना. ग्रेनेडा साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर आती है और कैरेबियन सी के होती है. यहाँ कंट्री में आप पासपोर्ट सेलिंग हो रहे हैं, ये कंट्री जो आपको ऑफर कर रही है पासपोर्ट, जो मोस्टली $50,000 से $1,00,000 के आसपास आपको 6 महीने के अंदर आपको मिले. अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, आप ग्रेनेडा जाके ऑन द अराइवल वीज़ा लेके वहाँ और कुछ इन्वेस्टमेंट $50,000 या $60,000 की इन्वेस्टमेंट करके मिस जो ग्रेनेडा की जो गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं. शायद ये नॉन रिफंडेबल मनी है आपका, एक बार डिपॉजिट होने के बाद, या आप
रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम 150,000 और 200,000, लेकिन एक नॉन रिफंडेबल प्रोग्राम है ग्रेनडा की गवर्नमेंट से, आप डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हैं, ये मनी आपको वापस नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कुछ 6 या 1 साल के भीतर भीतर आपको ग्रेनडा का पासपोर्ट मिल जाएगा। उसके बाद ग्रेनेडा के लिए, ग्रेनेडा साउथ अफ्रीकन कंट्री जो मैं बता रहा हूँ, आप देख लेना ग्रेनेडा की इकनॉमी क्या है, सब कुछ आप गूगल में जाके देख सकते हैं। और एक साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर आती है, और इनकी एक रिपब्लिक ऑफ ग्रेनेडा अलग से इनकी एक यूनियन है, मीन्स इनका एक पासपोर्ट है। सो आप $50,000 नॉन रिफंडेबल अमाउंट जो ग्रेनेडा की गवर्नमेंट है वहाँ जाके आप डिपॉजिट करा सकते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट ग्रेनेडा में कर सकते हैं, लाइक रियल इस्टेटमेंट समथिंग। सो 6 महीने से 1 साल के बीच में आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद आप E2 अप्लाई कर सकते हैं। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि काफ़ी क्वेरीज आई थी कि जब ये E2 वीज़ा लॉन्च कराए व्हाई दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इंडियंस, वी डोंट नो अबाउट डैट, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ इस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो आप US में मूव हो सकते हैं हैसल फ्री। क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर आप H1B वीज़ा के लिए कर रहे हैं या EB5 के लिए, उसके कैपिटल $1 million हो गया है, ऑलमोस्ट $9 lakh और 1 million, सो आप देख सकते हैं कितना टफ हो गया है। सो एक अगर आपके पास कैपिटल, लेट्स एग्जांपल 100/1000 इन मिस इंडिया मनी 50 lakhs, अराउंड 50 to 60 lakhs, सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इस वे में अगर आप करेंगे, क्योंकि ग्रेनेडा भी एक सेफ कंट्री है, वहाँ से पहले आप वहाँ इन्वेस्ट करें थोड़ा सा 6 या 7 में किसी लॉ फर्म के द्वारा ही करें, ताकि आपको वो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दे सकें। और US में काफ़ी है ऐसी लॉ फर्म्स आपको मिल जाएंगी, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रेनेडा में जाके आप रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, और अगर आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट मीन्स ग्रेनेडा की गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशन, आप वहाँ जाके डिपॉजिट कर सकते हैं $50,000 और आपको 6 महीने से 1 साल के बीच में आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। उसी दौरान आपका, व्हेन यू रिसीव योर पासपोर्ट, यू आर हैसल फ्री गेटिंग द वीज़ा फॉर E2 एंड माइग्रेट द US। सो एक अच्छी न्यूज़ थी। सो एक इंडियंस के लिए एक ये पाथवे प्रोग्राम है, और ये E2 वीज़ा अदर कंट्रीज़ के लिए मैंने बता ही दिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास $50,000 होने चाहिए और आपका एक बिजनेस प्लान होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं E2 वीज़ा के लिए अगर आप इंडियन से हैं। सो आपको ये, अगर ग्रेनेडा में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रेनेडा ने क्या एक थोड़ा गेटिंग योर पासपोर्ट लिटिल ईजियर फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो इन्होंने क्या कर रखा है कि जो पैसों को हम इन्वेस्ट करेंगे उनकी कंट्री में, उनकी इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए, सो आपको वो ग्रेनेडा पासपोर्ट दे देंगे। व्हेन यू रिसीव योर पासपोर्ट आप E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं सेम फॉलो। सो इट्स वेरी इजी, टाइम लगेगा लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर किसी के पास टाइम है और पैसा है सो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता देना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं इन्फॉर्मेशन गूगल से या किसी दोस्तों के द्वारा या किसी अदर सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है मैं कर देता हूँ। देखो क्या है, अगर आप डायरेक्ट यूरोप या कनाडा वगैरह में नहीं एंटर हो सकते हैं तो कुछ वे होते हैं कि कैसे एंटर होना है। सो यही एक वे है कि जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि पहले एक ब्राज़ील में मेरे दोस्त थे, उन्होंने 3 या 4 साल काम करा और उसके बाद उन्होंने कनाडा मूव हो गए काफ़ी आज। तो इसी तरह से अगर US में मूव होना है आपको हैसल फ्री और आपको अच्छा फ्यूचर बनाना है या अच्छा बिजनेस सेटअप करना है तो आप ग्रेनेडा जाके ग्रेनेडास की कुछ गवर्नमेंट से आप मिस किसी लॉयर के फर्म के द्वारा आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके ग्रेनेडा में इन्वेस्टमेंट करके कुछ नॉन रिफंडेबल जो मनी है वो उधर डिपॉजिट करके आप अपना E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हैं US। वीडियो कैसी लगी, थैंक यू वेरी मच, शेयर ये वीडियो, और कुछ पूछना है तो कमेंट्स में कर देना, आप मैं आपका आंसर देता रहूँगा, और अगर नहीं दे पाया तो मैं वीडियो उसकी अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।